11 लोगों की मौत की जिम्मेदार पूर्ण रूप से राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार रही है। हम लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, कुछ भी हो कोई सुनने को तैयार नहीं। गैसपीडी संगठनों ने सरकार को 21 मार्च को ये साफ बताया था कि अगर कोविड-19 संक्रमण के चलते गैस पीड़ितों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है तो इससे गैस पीड़ित भारी संख्या में खत्म होंगे, और जिस बात का हमें डर था आज वही हमारे सामने हो रहा है। गैस पीड़ितों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की तो कमी है ही, पर इसके अलावा जो आंकड़ा निकल के आ रहा है कोविड-19 में जो लोग खत्म हो रहे हैं उसमें ये बात साफ है कि जिन लोगों को पहले से ही फेफड़े, हृदय एवं किडनी की समस्याएं या कैंसर जैसी बीमारियां हैं उन लोगों पर कोविड-19 का असर ज्यादा रहेगा। मेरे ससुर का 17 अप्रैल को डेथ हो गई और उनकी रिपोर्ट अभी तक हम लोगों को पता नहीं चली, और हम लोगों की भी जांच हुई थी, 10 दिन हो गए हैं लेकिन हम लोगों को भी कोई रिपोर्ट का पता नहीं चला। और हम लोगों को यहाँ लाए हैं, बहुत परेशानी हो रही है, रोजे चल रहे हैं हम लोगों के लेकिन हम लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, कुछ भी हो कोई सुनने को तैयार नहीं। बहुत जगह फ़ोन किया हम लोगों ने रिपोर्ट के लिए, कोई बताने को तैयार नहीं, न हमारे ससुर की बताई है रियाजुद्दीन, ना हम लोगों की बताइए। सेकंड टेस्ट हुए थे यहाँ पर हमारे, लास्ट टेस्ट हुआ था सेकंड वाला 19 तारीख को, उसकी भी निगेटिव आई है, SMS के थ्रू आया था हमारे पास, मगर वो SMS ऐसा आता है कि उसमें ना कोई नाम होता है ना कुछ होता है, कैसे पता चलेगा किसका। जैसे मेरे फैमिली में अभी हाल मेरे मोबाइल नंबर लिया था उन्होंने, मेरे मोबाइल नंबर पे मान चलिए 4 और 2 6 लोग हैं, मैं, मम्मी और मेरा भाई, उसकी वाइफ और उसके बच्चे दो, मगर जो रिपोर्ट आ रही है मेरे पास 2 रिपोर्ट SMS आए हैं, मगर उसमें सिर्फ डेट आई है खाली, और उसके बाद में किसी का नाम है, आपकी रिपोर्ट जो है निगेटिव है, बस स्टे से स्टे होम बस ये आ जाए, इसमें कैसे पता चलेगा क्या है, क्या है। लिखित में कोई रिपोर्ट नहीं देते? हाँ, ऐसे नाम से या कोई रजिस्ट्रेशन नंबर या ऐसा कुछ नहीं है, एज वाइज से पता चले। रिटर्न में भी कुछ नहीं देते? नहीं, रिटर्न में कुछ नहीं दिए। अभी जो बात हो रही है ना, जब आप रिलीफ करेंगे हमको, तो वो कह रहा है हम तुमने प्रोसेस करा है, आपकी रिपोर्टें निकलवाएंगे वहाँ की हेल्थ डिपार्टमेंट की, जहाँ से भी निकलेंगी तो वहाँ से उनके हाथ में रिपोर्टें आ जाएंगी सारी पेपर, तो उसके भी आप क्या कहते हैं वो यहाँ से हमको रिलीज करेंगे घर के लिए, तो उसका वेट कर रहे हैं वो। हॉल सेंट कॉलेज लेके गए तो वहाँ व्यवस्थाएं काफी खराब थी, वहाँ के लेटरिन बाथरूम सीवेज का और पानी का सारा, और वहाँ पर क्या कहते हैं कि 3 फैमिलियां जो थी, एक मेतल परिवार था, एक यादव फैमिली थी और एक हम थे, ये तीनों वहीं थे, सब खुले थे, आराम से सब घूम रहे थे, तो एक ही टैंकर से पानी भर रहे थे सब, पानी का भी कोई इंतजाम नहीं था, और जो एक ट्यूबवेल था जिसकी टंकियां भरती थी वो भी जल गया था, तो ऊपर भी पानी, लैट्रिन बाथरूम में भी पानी नहीं था, वो सब टैंकर से भर भर के लेके जा सकते हम लोग बाल्टी से, ना कोई सैनिटाइजर था ना कुछ था ना कुछ था, वो खाली पानी से धो धो के जिसके पास साबुन है वो साबुन से धो के टोटी यूज कर लेता था, और नहीं तो वैसे ही चल रहा था सब काम, तो उस पर वहाँ इशू हुआ था काफी, तो फिर उन्होंने दूसरे सबको शिफ्ट करा वहाँ से। हमारे पास कोई सच कोई लिस्ट नहीं है, वी हैव द लिस्ट ऑफ द पीपल हु हैव डाइड, तो अब उसमें से हाउ मेनी आर एग्जैक्टली गैस विक्टिम्स दैट वी विल फाइंड आउट। यू सी एट द मोमेंट दे आर ऑल विक्टिम्स, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि कौन क्या है, बट वी विल इफ दे सिंस दे आर मोस्ट ससेप्टेबल वी विल ask the district administration and the teams to be to see that on priority. All right. इस टाइम तो सभी जो भी प्रभावित हो रहा है वो है विक्टिम है। उन लोगों का आइडेंटिफाई करके उनकी तुरंत स्क्रीनिंग करने की जरूरत है, एसिम्प्टोमेटिक लोगों के ऊपर स्क्रीनिंग करने की जरूरत है, जो गैस पीड़ित अपने घर में खत्म हो रहे हैं उनकी जांच करने की जरूरत है, ताकि हम जान सकें कि इसकी वजह से कितने लोग खत्म हो रहे हैं। पर इन 11 लोगों की मौत की जिम्मेदार पूर्ण रूप से राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार रही है।